दोस्तों मैं हूँ अभी मारो में, और मारो से मैं निकल रहा हूँ नारायणपुर के लिए, और नारायणपुर होते हुए ना मैं निकल जाऊंगा सीधा भाटापारा, और भाटापारा से फिर बलौदा बाजार, और फिर बलौदा बाजार से फिर अपने गांव। तो कोशिश करूंगा आप सभी को रास्ते को दिखाने की। तो चलिए बंदे है तो अपना भाई साहब की आँख बंद करके गाड़ी चलाते हैं, समझे में नहीं आता यार। अबे देखो भाई लोगों को ये तो सब पानी है वहाँ। जनसंख्या तो अच्छा खासा है, और क्या कांपा गांव, ठीक। तो यह है कांपा गांव, और बहुत ज़्यादा भूख है पता नहीं। अच्छा हाँ, मार्केट मार्केट लगा हुआ है, और उसकी वजह से भीड़ भाड़ था। हो सकता है कि वो भी हो, पता नहीं भाई। अभी जो है ना, अभी चार्ज हो रहा है मेरा मोबाइल, इसमें अभी 43% है, लेकिन
एक्स्ट्रा चार्ज करके जब जुगा रहे हैं अपनी गाड़ी में तो चार्ज की क्या टेंशन है ना, है ना? तो टेंशन नहीं है चार्जिंग का। और भाई साहब देखो रास्ते का मुराम देखो, ये तो बिल्कुल सांप के जैसे है यार। देखिए तो लिखा दिख नहीं रहा है। अगर आपको बिलासपुर सॉरी बलौदाबाद जाने जाना है ना तो आपको सीधा जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है अब पहले तो भाटापारा जाएंगे और उसके बाद जो है आप फिर बलौदाबाजार पहुंच जाएंगे। अगल बगल देखना जरूरी भैया, नहीं तो फिर कहानी कुछ अलग हो जाते हैं। यहाँ भी मार्केट अच्छा खासा तो लग रहा है। अच्छा में क्या सनसेट टाइप हो जाता है ना यार, मतलब बिलासपुर रायपुर हाईवे का ये मेरे ख्याल से बीच ही पड़ता होगा नारायणपुर। तो ये वाली जो रोड है ना ये है, ये देखो यहाँ पे लिखा है नारायणपुर। तो ये रोड जो है आपको सीधा भाटापारा पहुँचा देगा, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद फिर जो है भाटापारा पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में आपको बलौदाबाजार का रोड मिल जाएगा। बाइक वाले हो गए या तो कार वाले हो गए या तो फिर बड़े गाड़ी वाले हो गए, तो यार इस कंडीशन में दुर्घटना तो होना ही होना है। अब क्या है जो गाय है बैल है वो अपने हिसाब से चल रहा है और
जो रागी रहे हैं, साथी रहे या चलने वाले, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो भाई दुर्घटना तो हो गई हो गया। अब देखो ये सामने आ रही है बैल, बैल है क्या गाय क्या पता नहीं, बैला है भैया बैला। और ये आ गया दोस्तों समरिया घाट, ये भी सिंधासी नदी है। और अभी हाल ही में ना इसके ऊपर से पानी भरा था, जैसे कि आपके सामने बोर्ड देख रहा हूँ ना, ये वाली बोर्ड, तो यहाँ तक पानी चला गया। अब जैसे कि आपको पहचान और अच्छे दिखा दूँ, देखिए ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं ना, इसके ऊपर से पानी भरा था। जैसे कि आप देखो पेड़ को देखो, ये देखिए इतने ऊंचे मतलब पानी था, तो उस कंडीशन में कम से कम 2 या 3 दिन बंद था रास्ता। और अरे भैया, और देखिए इधर चला जा रहे देखो, और इधर चला जा रहा देखो, मछली पकड़ रहे भाई लोग। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी नेता है या तो फिर जो भी प्रतिनिधि है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक्चुअल में क्या भाषा पार जाने के लिए ये मुख्य मार्ग बन जाता है। जैसे कि नारायणपुर से आओगे या तो फिर भाषा पार से अगर आप नारायणपुर जाएंगे, तो मुख्य रास्ता तो यही हो जाता है ना। और बरसात के दिनों में तो भाई साहब ये बंद ही हो जाता है। अब बंद होगा तो फिर आवागमन तो बंद ही हो जाएगा, पानी भर जाएगा। तो देखो कितने गड्ढे में भाई आपको ले दिया। नैनो कार का हालत खराब हो गया है, हो सकते थे ठोकाया हो गया। अब क्या है थोड़ा कमजोर टाइप की ना गाड़ी, माँ तो फैमिली के लिए है, वो भी ज्यादा स्पीड में दौड़ाओगे भैया गाड़ी को, नैनो गाड़ी को, तो ठीक नहीं है। खैर अपना जो टाटा वाले हैं वो बढ़िया बनाए थे बाइक, सॉरी उस नैनो कार को, ताकि 4 फैमिली वाले वो आराम से घूम सके। लेकिन इसका जो यूज है ना, यूज क्या है यार, मिस यूज क्या है, तो इसको ना मिस यूज करने लगे लोग, अनाप शनाप चलाने लगे, जहाँ पाए वहाँ दौड़ाने लगे। तो यार अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं चल पाएगी, तो ये नैनो कार कहाँ खरीद लिया।